नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोरेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोरेश्वरी बोल बा। आप जब भी पूजा पाठ करने बैठते हैं, आप अपने आराध्य ईष्ट, अपने जो भी कुल देवी देवता हैं, आपके जो भी स्थानीय देवता हों, ग्राम देवता हों अथवा सर्वमान्य जगत पिता परम पिता परमेश्वर हों, आप किसी की भी आराधना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं तो आप उनके चरित्र महात्म्य में पहले जाते हैं। आप उनके बारे में सुनते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तब आप उनकी आराधना भक्ति करते हैं। फिर वो नवधा भक्ति नौ प्रकार से जो होती है, आप उनमें से कुछ ना कुछ क्रिया करके आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपको उबासियाँ आने लगती हैं, आँखों से आंसू आने लगते हैं, आपको शरीर में खुजली होने लगती है, आपको बेचैनी होने लगती है, हाथ पैरों में दर्द और झाल सी निकलना और जी मचलाना आदि आदि सब कुछ होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, होता यह है कि आपका शरीर इन सब चीज़ों का अभ्यस्त नहीं था, आपका शरीर इन सब चीज़ों के अभ्यस्त नहीं है। आपके शरीर कई सूक्ष्म जीवों से मिलकर के बना हुआ है और सूक्ष्म कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आप जब भी किसी ईश्वर का नाम लेते हैं या भगवान का नाम लेते हैं या कोई भी मंत्र जाप अनुष्ठान करते हैं या पाठ करते हैं, आप एक शब्द अवश्य ही बोलते हैं, ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि आप सृष्टि का नाद बिंदु, जो सृष्टि का सर्वशक्तिमान नाद बिंदु या नाद शब्द है, ये एक ऐसा अप्रतिम शब्द है जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, समस्त देवी देवता इसमें समाए हुए हैं। तो इसका जब प्रभाव आपके शरीर में बढ़ता है तो आपके शरीर की समस्त नेगेटिव ऊर्जा बाहर की ओर भागती है। जब ओम का उच्चारण आपके शरीर में गूंजने लगता है किसी भी देवी देवता के मंत्र के माध्यम से, क्योंकि देखिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो ओम का उच्चारण शुद्ध स्पष्ट रूप से करते हैं और शुद्ध स्पष्ट रूप से उसका जाप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इसीलिए कई लोग इसके साथ नाम मंत्र को जोड़ देते हैं या बीज मंत्र को जोड़ देते हैं और अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग मंत्रों की साधना करते हैं, परंतु मुख्य रूप से उसमें प्रणव बिंदु ओमकार ही होता है। तो ये ओम का जब जाप मंत्र के साथ आप करते हैं तो ये ओम की ऊर्जा ही आपके शरीर में बढ़ने लगती है, निरंतर बढ़ती है और नेगेटिव शक्तियों को बाहर करती है। और जब ऐसा होता है तब होता ये है कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से, आपके खून में गर्मी आने से, आपकी कोशिकाएं, उत्तकाएं, जो भी आपके शरीर जिन चीज़ों से मिलकर के बना है, उन सभी में गर्मी जब बढ़ती है, आपके शरीर में स्पंदन जब बढ़ता है, तब आप खुद सोचिए कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। आपका शरीर जो ठंडक में रहने का अभ्यस्त था उसमें कुछ ना कुछ हलचल तो होना स्वाभाविक है। तो आपके शरीर में इसीलिए तपन महसूस होती है, पसीना आता है, आपको उबासियां आती हैं, आपका शरीर सोने को करता है क्योंकि दिमाग में अब शांति आई है। और जब दिमाग में शांति आना शुरू होती है तब आपको नशा सा चढ़ता है, और वो नशा चाहे भक्ति का कह लें, चाहे किसी और तरीके का कह लें, परंतु आप उसमें मदहोश होने लगते हैं और आपको नींद सी आने लगती है। ये उबासियाँ स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको उबासियाँ आती हैं और बड़ी बड़ी लंबी उबासियाँ आने लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस उबासी के साथ ही कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राण मुख से बाहर निकल आए, इस हद तक उबासियाँ आने लगती हैं, तो आँखों से आंसू आना स्वाभाविक है। कई लोग भजन कीर्तन में जाते हैं, वहाँ भगवान के चरित्र को सुनते हैं तो ना उन्हें उबासी आती ना कुछ होता है, मात्र आँखों से आंसुधारा बहती है। तो ये अश्रुधारा उनके भाव में भक्ति में डूब जाने के कारण होती है। इसमें वो जो ऊर्जा बढ़ती है या कुछ होता है, ये यहाँ पर वो चीज़ नहीं आती है, यहाँ पर भक्ति में डूब जाना आता है। उस भक्ति में वातावरण जो उनके अंदर निर्माण हो रहा है, भले ही उस चीज़ को सुनकर किसी और को कुछ महसूस ना हो रहा हो, लेकिन जिसके अंदर ये चीज़ है, भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा है अपने आराध्य के प्रति, और उसके बारे में जब वो सुनते हैं तो उनकी आँखों से आंसू की धारा बह निकलती है।
तो ये आंसू दो प्रकार से आते हैं, एक तो भाव में डूब जाने के कारण, दूसरा हमारे शरीर में नेगेटिविटियां जो हैं उनको जब बाहर निकलती हैं तब यह आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये नेगेटिविटी आने की वजह से है या पॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से, तो देखिए दोनों ही एक ही बात है। जैसे आधा गिलास भरा हुआ रख दिया जाए तो कोई उसे कहेगा कि आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। तो देखिए ये नेगेटिविटी जब शरीर की बाहर जाती है तब उबासियाँ आती हैं, या ये कहें कि पॉजिटिविटी शरीर के अंदर आ रही है इसलिए उबासियाँ आ रही हैं। बात तो एक ही है, एक चीज़ अंदर आ रही है और एक जा रही है। आप किसी का भी वर्णन करके कह सकते हैं कि ये जाने से हो रहा है, ये आने से हो रहा है। बात तो यहाँ पुनः पुनः से मैं कहूँगा कि एक ही है हमारे शरीर में। आप एक बात सोचिए, जब आप किसी मंदिर में बैठे हों, कोई पूजा करने के बारे में सोच रहे हों और उस टाइम पे आपके मन में अचानक से कोई बुरा ख्याल आ जाए तो तुरंत आपको उबासियाँ शुरू हो जाती हैं। अब आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं, दोस्तों के साथ महफिल में बैठे हैं, कोई पार्टी चल रही है जहाँ आपका मन नहीं है, लेकिन आप एक सहयोग दिखाने के लिए, एक आपसी समझ दिखाने के लिए वहाँ सिर्फ बैठे भरे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं उनका कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, लेकिन आपके मन में वो चीज़ का भाव है कि ये चीज़ें जो इन लोगों के लिए सही है पर मेरे लिए सही नहीं, तब भी आपको उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उसका कारण यही है कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी ठहरती नहीं। आप चाहे कहीं भी बैठे हों, चाहे मंदिर में बैठे हों, चाहे मदिरालय में बैठे हों, आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आती है और पॉजिटिविटी अंदर जाती है। तो यह एक शुभ संकेत है। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले हमको उबासी आती थी, अब आना बंद हो गई है, आंसू आते थे अब आना बंद हो गए हैं। पहले हम जब ध्यान करते थे तो हमारे मस्तिष्क के बीच में कुछ हमें हिलता हुआ कंपन सा एहसास होता था, वो खूब तेज सर में दर्द सा होता था, पर अब नहीं होता। तो देखिए जब हमें जिस चीज़ों की आदत पड़ जाती है तब हमें उसका एहसास होना पता नहीं चलता, और फिर जब ये मदहोशी जो है शुरुआती दिनों में जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, तब आप उसमें कई बार आपको लगता है कि आप सो चुके हैं और आप ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसको कोई ये नहीं आपको सिखा सकता कि यही ध्यान है और ये ध्यान नहीं है, क्योंकि उस अवस्था को आप महसूस कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर पा रहा है कि आप कहाँ हैं, और आप ये नहीं जान सकते कि वो कहाँ पहुँच कर उसने मान लिया कि उसका ध्यान लग गया और मैं कहाँ पहुँच कर मानूँ कि मेरा ध्यान लगा है। तो आप एक दूसरे के अंदर झांक कर नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि ये संकेत हैं और ये सब अच्छे संकेत हैं कि आप एक अच्छी तरफ, एक अच्छी उड़ान की तरफ आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप करते रहिए और इसी तरह आप अपने आप को समझिए कि आप एक अच्छे चीज़ के साथ जुड़ गए हैं, एक अच्छी तरफ जुड़ गए हैं, एक ऐसी सड़क पर आप आ गए हैं जिसका मंजिल है, आप राह में भटक नहीं रहे हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप किस प्रकार राह पर चल रहे हैं और आप अपना सफ़र कैसे तय करेंगे, आप क्या रास्ते में कांटे बोते हुए जाएंगे या फिर फलदार वृक्ष लगाने के लिए बीजारोपण करेंगे या मात्र चलते रहेंगे। तो इसी के साथ जय मोरेश्वरी बोल बम।